नंबर आठ पे चलते हैं। कह रहा है कि यदि ए और बी क्रमशः, देखिए ए का निर्देशांक क्या दिया, -2, -2, -2 है ना, और 2, -4 बी का निर्देशांक दिया है, ए और बी के निर्देशांक दिए हैं, तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि एपी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। पी कहाँ स्थित है आपकी, रेखाखंड ए बी पर स्थित है। तो चलिए पहले हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं, ठीक है। एक बिंदु ले लेते हैं ए जिसका निर्देशांक दिया है -2, -2 और एक बिंदु ले लेते हैं बी जिसका निर्देशांक है आपके पास 2, -4। अच्छा, इन दोनों को एक रेखा द्वारा मिला देते हैं, ठीक है। चलिए ये मिला दिए। चलिए अब देखिए इस पे एक बिंदु पी स्थित है, पी स्थित है, रेखा ए बी पर बिंदु क्या है, पी स्थित है, और इसका निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं x, y, इसी को आपको निकालना है, ठीक है। पी कहाँ स्थित है, तो रेखाखंड ए बी पर स्थित है, हमारे क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे हम लोग फिगर बना दिए। अब देखिए यहाँ हम लोग लिख देंगे कि माना बिंदु पी का निर्देशांक, बिंदु पी का निर्देशांक x, y है। बिंदु पी का निर्देशांक क्या है, x, y है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में आपके दिया है एपी बराबर 3/7 ए बी। अच्छा, इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, एपी बट्टा ए बी बराबर में 3/7। देखिए आपको अनुपात लेना चाहिए था यहाँ एपी बट्टा पी बी, है ना, एपी बट्टा पी बी, लेकिन यहाँ दिया है एपी बट्टा पूरा दे दिया है, ए बी दे दिया है, तो पहले तो इसे हमें ठीक करना होगा। तो इसको ठीक करने के लिए क्या हम इसे पलट सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, AB बट्टा AP बराबर 7/3। समझ गए ना, AP बट्टा AB को पलट दिए तो ये AB बट्टा AP हो गया, इसको पलट दिए तो ये 7/3 हो गया। अब लिखेंगे दोनों तरफ एक घटाने पर, यानी हो जाएगा यहाँ AB बट्टा AP -1 बराबर में 7/3 -1। चलिए इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ LCM ले लीजिए आप AP, ठीक है, यह होगा AB - AP बराबर में, यहाँ एलसीएम लीजिए 3, 7 - 3। यहाँ ये घटाएंगे, कैसे घटाएंगे, तो आप फिगर को देखकर घटाना होगा। देखिए आप यहाँ पे AB ये पूरा है और AB में से जब ये AP घटेगा तो आपका PB नहीं आ जाएगा, तो ऊपर हो गया आपका PB और बट्टा में है आपका AB बराबर में 4/3। तो इसको पलट दीजिए वापस, तो आपका हो जाएगा AP बट्टा PB बराबर में क्या हो जाएगा आपका 3/4। देख लीजिए AP बट्टा PB आ गया ना, तो अब यही अनुपात आपको लेके चलना होगा, 3:4, यानी ये m हो गया, ये n हो गया, और ये आपके x1 a1 और x2 a2। चलिए फिगर को यहाँ दोबारा से बनाकर और आगे हम लोग विभाजन सूत्र लगाते हैं ताकि हमारा p का निर्देशांक निकल जाए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसको। यहाँ पे आपको अनुपात अब पता चल गया कि 3:4 है, यानी कि ये m और n के मान हो जाएंगे, है ना, और ये आपका x1 y1 हो जाएगा और ये आपका x2 y2 हो जाएगा। तो अब आपको पता ही है विभाजन सूत्र क्या होता है, तो होता है m x2 + n x1 बटा में m + n m y2 + n y1 बटा में m + n, इन्हें लगाएंगे तो आपका इसी फॉर्मूले से हमें P बिंदु का निर्देशांक प्राप्त हो जाएगा। तो P बिंदु का निर्देशांक हम लोग तो x y मान के चले हैं बराबर में, चलिए m का मान क्या है आपका, तो m का मान है 3 × x2 का मान क्या है यहाँ पे 2 है, प्लस n का मान है आपके पास 4 और x1 का मान क्या है यहाँ -2 है, चलिए, और बटा में m + n यानी कि 3+4, कॉमा m का मान फिर दोबारा से 3, y2 का मान यहाँ -4, n का मान है आपके पास 4 और y1 का मान है -2 और बटा में m + n यानी कि 3+4। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या, 3 × 6 और -4 × 8 हो जाएगा बटा में 7, कॉमा देके फिर इसका देखिए ये -4 × 3 = 12 हो जाएगा और -4 × 8 हो जाएगा और बट्टा में आपका 7, यानी कि यहाँ से पी का निर्देशांक आपको प्राप्त हो जाएगा कितना, -2/7, -20/7, ये आपका बिंदु पी का निर्देशांक निकल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर